Hello students, welcome back in my class. This video is for class 4 subject Avials and today our topic is parts of flower. Have you seen flowers? Yes, all you have seen flowers. So it is the most attractive part of the flowering plant. You can observe the flowers of a plant and recognize the plant immediately. है ना, आप फ्लावर से बता सकते हैं कि ये कौन से प्लांट का फ्लावर्स है. ओके, सो फर्स्ट दीज आर द, लुक एट दिस, दिस इज अ फ्लावर एंड दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, सेपल. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेपल. तो ये सेपल जो है ये कहाँ पे होता है, ये फ्लावर के सबसे नीचे आपने ग्रीन कलर का लीव जैसा स्ट्रक्चर देखा होगा. लीव जैसे जो पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम सेपल कहते हैं. ओके, सो इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज स्टिल अ बर्ड. जब फ्लावर बर्ड होता है तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. ओके, एंड दे सपोर्ट द पेटल्स व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम. ओके, नाउ नेक्स्ट टू सेपल्स आर द पेटल्स. दीज आर द पेटल्स. ओके, दीज ऑल आर पेटल्स. These all are petals of the flower. Petals का मतलब समझ रहे हैं ना, petals मतलब जो पंखुड़ियाँ होती हैं flowers की. जैसे जो petals हैं ये different colors के होते हैं, yellow flower, white flower, red flower, pink flower, है ना. तो उसके different petals जो हैं वो अलग अलग colors के होते हैं. Okay, these are the petals of the flower. Okay, so these are generally bright colored and scented to attract the insects that help in pollination. तो ये insects को attract करते हैं, different colors के होते हैं. ओके, एंड scented होते हैं, यानी कि इनसे खुशबू आती है. ओके, जो insects को attract करते हैं अपनी तरफ. ओके, सो नेक्स्ट इज stamen. लुक एट हियर, दिस इज stamen. ओके, दिस इज द stamen. सपोज स्टूडेंट्स यू रिमूव द पेटल्स. सपोज आपने एक फ्लावर लिया और उसके सारे पेटल्स को रिमूव कर दिया. ओके, यू विल सी दैट थिन सिलेंड्रिकल स्टैमन. तो आपको फ्लावर्स में क्या पतले पतले सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे एंड दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, लुक एट हियर, हमने इसका ये जो स्टैमन यहाँ पे फ्लावर में बनाया है इसका अलग से डायग्राम बनाया है. लुक एट हियर. ओके, दिस इज द स्टैमन. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टैमन. ये सारा स्टैमन है, इस पूरे पार्ट को हम स्टैमन कहेंगे. ओके, सो दिस सिलेंड्रिकल पार्ट इज कॉल्ड स्टैमन एंड इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ये जैसे हमारे में मेल एंड फीमेल होता है, ऐसे फ्लावर्स में भी मेल और फीमेल होता है. तो ये मेल पार्ट है फ्लावर का. ओके, दिस इज द स्टैमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. सो ईच स्टैमन कंसिस्ट ऑफ थिन ग्रीन स्टॉक फिलामेंट. इसमें ये थिन ग्रीन कलर का ये जो लंबा सा सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको हम फिलामेंट कहते हैं और इसका बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है ऊपर, ठीक है, दिस इज एंथर. इसको हम कहते हैं एंथर. और इस एंथर के अंदर एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ होल स्टैमन. ओके, तो स्टैमन के डिफरेंट पार्ट्स हो गए, एंथर ये सिलेंड्रिकल पार्ट, फिलामेंट, और एंथर के अंदर जो पाउडरी सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन. ओके, सो जो हमने फ्लावर में ये वाला जो पार्ट है आपका जो स्टैमन दिखाया, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका हमने अलग से डायग्राम बनाया है यहाँ पे. तो ये इस तरह का होता है. इट इज कॉल्ड स्टैमन एंड इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, नाउ कम टू द स्टिग्मा. लुक एट हियर, ये जो फ्लावर का आपको ये बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हमने यहाँ पे बनाया है. लुक एट दिस डायग्राम. ठीक है, ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है फ्लावर का इसको हम बोलते हैं पिस्टल या कार्पल. इसको पिस्टल या कार्पल कहते हैं एंड इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का. ओके, सो इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर लाइज इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर. आपको दिखता है फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड पिस्टल और कार्पल कह सकते हैं आप इसको. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. तो इसके तीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको. एक तो स्टिग्मा सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये स्टिग्मा, ठीक है, इट इज द स्टिकी टॉप पोर्शन ऑफ द कार्पल. उसके बाद स्टाइल, ये बीच वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टाइल. इट इज अ स्टॉक दैट कनेक्ट द स्टिग्मा एंड ओवरी को, जो कनेक्ट करता है. ओके, सो ओवरी क्या होती है, ये जो
आपको स्वेलिंग पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इट इज ओवरी. ओके, इट इज एन इनलार्ज बेस विच इज स्लाइटली स्वेलन एंड द ओवरी कंटेन्स अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल. यहाँ पे आपको छोटी छोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं. ओवरी के अंदर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं ओव्यूल. जैसे आपने देखा था एंथर में जो पाउडरी सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, सेम इसी तरह से ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स. ओके, विच लेटर बिकम सीड्स. और ये जो ओव्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ये बाद में जाके सीड्स बनते हैं. ओके, सो दिस ऑल अबाउट द फ्लावर. ओके, तो हमने ये फ्लावर्स में पढ़ा, या आपने पढ़ा कार सेपल. ओके, ग्रीन पार्ट जो फ्लावर का होता है नीचे बेस में, ये दिस इज सेपल. दीज आर द कलर्ड पार्ट आर द पेटल्स, है ना. पेटल्स के बारे में पढ़ा, स्टैमन के बारे में हमने बताया आपको, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. और ये जो बीच में है इसको पिस्टल या कार्पल कहते हैं, इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इसी फीमेल पार्ट के अंदर ओवरी और ओव्यूल्स होते हैं. ओके, सो दिस ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. थैंक यू.